नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। दादा, आपका टीएमसी छोड़ के भाजपा में जाने का क्या मूड हो रहा है? देखिए, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि इस पार्टी में जितना चोर है, जितना तोलाबाज है, वही लोग का जगह है। यहाँ जो आम आदमी के लिए काम करना चाहता है, वो लोग के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए हम लोग टीएमसी पार्टी को छोड़ के बीजेपी का दामन उठा रहे हैं। तभी तो देखा जा रहा है काफी चोर लोग जो है बीजेपी में भी आ गया है। ऐसा तो कोई चोर नहीं है, लेकिन मैं जिसको जानता हूँ चोर है, क्योंकि आप लोग जानते हैं उरुस पे हमारे डिप्टी मेयर को एक बार चार्ज दिया गया था, तो उनका 1,36,000 मेरे सामने ही फाड़ी से लेके गया था, उसको अभी तक रिटर्न नहीं किया। मैंने कमेटी से कहा भी उनका FIR करने के लिए, नहीं, कहीं ना कहीं विधायक ने उसको दाब दिया, उसको आगे नहीं उठने दिया, तो कहीं ना कहीं वो भी शामिल है। आप तृणमूल में थे तो काफ़ी आप एक एज ए पार्षद क्षेत्र में काफ़ी बेहतर काम किए हैं, आपका काम का तारीफ भी होता है आज, तो फिर क्या ऐसी परेशानी या समस्या हुई पार्टी के साथ में? देखिए, काम मेरा पार्टी ने, सब काम पार्टी का नहीं है। यहाँ पे करीबन 15 करोड़ रुपया का काम मैंने ECL CSR फंड से किया है, ADDA का जो ग्रीन सिटी मिशन है उससे काम कराया है, यह बहुत सारा काम है विभिन्न जगह से, जहां से भी मेरा सोर्स था वहां से पैसा ला के मैंने अपना वार्ड में काम कराया। इसलिए खाली कह देना कि ममता बनर्जी का लेके काम किया, ऐसा नहीं है। ये जो टैंकी बे है, जो पानी प्रोजेक्ट है, ये अमृत का पैसा है, जिसमें 40% सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो ये हम लोग भी प्रचार किए थे उस टाइम में, एक दल में थे, उस दल का प्रचार कर रहे थे। लेकिन जो सच्चाई है, ये आप लोग भी जानते हैं, जिसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है, आने वाले दिन में वो डॉक्यूमेंट्स हम लोग निकालेंगे कि अमृत प्रोजेक्ट से ये पानी का काम हुआ है, उल्टी का जो पानी का काम अमृत प्रोजेक्ट से हुआ है। अच्छा, लोगों का आरोप है कि आप अपने लाभ स्वार्थ के कारण जो है पहले कांग्रेस से टीएमसी में आए, आप टीएमसी से बीजेपी में चले गए। टीएमसी में क्या लाभ लिए है, टीएमसी का क्या लाभ लिए है? मैं कांग्रेस करता था, मेरा ऊपर 148 केस हुआ था, तब तिवारी जी ने जब मेरे बच्चे लोग को केस देना शुरू किया, तो तिवारी जी ने बोला कि ऐसे नहीं होता बाबू, तुम आ जाओ, तुम काम का लड़का है, काम करो। तो मैंने उसके साथ गिए थे, अब जिसका हाथ पकड़ के गिए थे उसी का इज्जत जहाँ पर नहीं है, तो वहाँ रहना हम मुनासिब नहीं समझे। अच्छा, बीजेपी में जाने के बाद क्या विधानसभा कुलटी का जो आपको दायित्व सौंपा जाएगा या उम्मीदवार यहाँ से दिया जाएगा आपको? वो तो पार्टी का बात है, पार्टी तय करेगा हमको किस तरह से यूज करेंगे, लेकिन मेरा जो मोटिव है और मेरा जो उद्देश्य है वो क्लियर है कि 2021 में कुलटी से उज्जवल मुक्त कुलटी बनाना है। उसमें मैं एक कार्यकर्ता के हिसाब से जितना भी मेरा योगदान देना पड़ेगा मैं दूंगा। अगर पार्टी आपको उम्मीदवारी देती है यहाँ से, तो आपका लक्ष्य क्या होगा काम के प्रति? मेरा एक ही लक्ष्य है, उम्मीदवारी का मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, मेरा लक्ष्य एक ही है, उज्जवल चटर्जी को कुलटी से मुक्त करना, कुलटी का बेकार जो जुबाए है उसको आने वाला दिन में कैसे काम मिलेगा, कैसे इसको को मॉडर्नाइजेशन करेंगे, कैसे यहाँ पे और इंडस्ट्री लाया जाए, एक बढ़िया हॉस्पिटल कैसे बनाया जाए, कैसे कर्म संस्थान बने, और कुलटी में उसका पोटेंशियल है, कुलटी बन सकता है। 48 फैक्ट्री यहाँ से उठ के झारखंड चल गया, ये तोलाबाज के चलते। मैंने अगले विधानसभा इलेक्शन में भी इसको लेकर काफी बात किए थे, लेकिन था वोट का समीकरण था, कुछ मेरे तरफ आया, कुछ उस तरफ गया, कुछ उस तरफ गया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, या तो पक्ष में वोट होगा, एक तरफ विपक्ष में वोट। अच्छा, कांग्रेस और TMC ये एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी के नाम से जानी जाती है, जबकि भाजपा का एक धार्मिक लगाव हमेशा से रहा है, उनके रैलियों में, उनके सभाओं में हमेशा एक धार्मिक नारा भी लगता है, तो आप अपने आप को कैसे यहाँ पे? नहीं, धार्मिक नारा तो ममता बनर्जी भी लगाता है, ममता बनर्जी भी तो सरकारी मंच से बोल रहा है इंशाल्लाह सबको ठीक रखे, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है, कि अल्लाह से बड़ा, अल्लाह से ऊपर कोई नहीं है, तो वो कहाँ से धर्म निरपेक्ष होता है? मैं, आप टोपी लगा के मांगिएगा तो धर्म निरपेक्ष, मैं टीका लगा के मांगूंगा तो माने कम्युनल, ये तो ठीक बात नहीं है, ये
ये ठीक बात नहीं है। और अगर ये धर्म निरपेक्ष नहीं होता, धर्म अपना जगह में होता है, मोदी जी का एक साथ मंत्र है कि सबके साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अच्छा, मोदी जी आज पूरे विश्व में लोकप्रिय हो चुके हैं, आपको उसमें क्या अच्छा लगता है? उनका जो माने डिसीजन लेने का जो क्षमता है, जो देश हित में वो डिसीजन लिए है, आज जो हम लोग का डिफेंस, आज देखिए ना, एक एक उदाहरण काफी है कि आज 72 सालों में पहली बार हुआ कि चीन कोई चीज कब्जा करके रिटर्न बैक हुआ। ये मोदी जी के द्वारा ही संभव हुआ है। और देश में एक शांति का माहौल अगर कोई रख सकता है तो नरेंद्र मोदी जी ही रख सकता। आपका भाजपा में जुड़ने के साथ ही आपका जो लोकल क्षेत्र है सतुड़िया, यहाँ पे जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो भी आपका विरोध कर रहे थे, वो भी कह रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। थोड़ा सा होता है क्योंकि राजनीति करते हुए हम जिस दल में थे हमेशा कोशिश किए कि 100% दे, तो ही राजनीति करते हुए कहीं कहीं किसी का मन दुख हुआ था, वो सब धीरे धीरे ठीक हो जा रहा है। आप लोग इस चैनल के माध्यम से, CFM के माध्यम से, कुर्टी के हर नागरिक को, हर धर्म के नागरिक को, हर जाति के नागरिक को एक ही अनुरोध करते हैं कि इस बार कोई डर का माहौल नहीं है, चिंता करने का बात नहीं है। आइए और सब मिलके गणतंत्र का जो उत्सव है उसको पालन कीजिए और सब वोट कीजिए। और वोट देने से पहले एक बार सोचिए कि आप जिसको चुन रहे हैं वो क्या कुल्टी का विकास कर सकता है, कुल्टी का सही मायने में विकास कर सकता है। इसको रख के, सोच में रख के आप लोग वोट कीजिए।